हाई गाइज, वेलकम वंस अगेन टू माई चैनल वी फिट टुगेदर। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ, और ये मक्के के आटे से बना हुआ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इसके लिए हमें एक कप मक्के का आटा चाहिए और इसके अंदर एक चम्मच हमें सूजी मिलाना है। सूजी नहीं हो तो भी चलेगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा अजवाइन लेंगे आधा टीस्पून, और हल्दी डालेंगे वो भी आधा टीस्पून, और मिर्ची भी 1/4 टीस्पून, और नमक हम इसके अंदर डालेंगे अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसे छोटे चॉप्ड करके, धनिया पत्ता डालेंगे थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही ईजी है। मक्के के आटे से रोटी या पराठा बनाना बहुत ही टफ होता है, वो इतना ईजीली नहीं बनता, लेकिन आज हम बहुत ईजी वे में इसको हम बनाएंगे। तो इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करें। हम इसमें पानी मिलाएंगे और कम से कम 2 कप के अकॉर्डिंग इसमें पानी जाएगा, जिससे ये हमारा आटा अच्छी तरह से गुथ जाएगा। और नॉर्मल पानी डालना है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके अब इसको ढक के रख देंगे। अभी तक 1.5 कप पानी चला गया है, अब इसको मिक्स करके हम ढक के रख देंगे। थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि इसके अंदर सूजी जो है वो भी फूल जाए। 5 से 7 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। तो देखिए पानी सारा सूख गया है। अगर पानी सूख गया है तो थोड़ा सा पानी और ऊपर से मिला ले ताकि ये लिक्विडी सा हो सके। हम इसे गूंथ के, हम इसे पराठा या रोटी को बेल के नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली इसे पैन पे बनाएंगे, और देखिएगा बहुत इजीली हमारा पराठा बन जाएगा। तो पैन में अब थोड़ा सा हमें घी डालना है, बटर डाले, और ऊपर से वाइट तेल इसमें थोड़ा सा डाल दे। बहुत ही डिलीशियस और अच्छा सा स्मेल भी आएगा और टेस्ट भी लगेगा। अपने बैटर को डाले और इसे अच्छी तरह फैला ले, इसका शेप थोड़ा सा दे दे, ढक के थोड़ी देर पकाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एटलीस्ट 2 चम्मच देसी घी डाले ताकि अच्छी टेस्ट आ जाए, खुशबू बहुत अच्छा है। ढक के रखे, थोड़ी देर पकाए, फिर 1 चम्मच घी डाले, और इसको देखिए अब धीरे धीरे साइड से कोना हट गया है। जब ये पक जाता है तो अपने आप ये साइड से जाता है, और आराम से इसको इस तरह से पलट दीजिए, और देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी सा हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही डिलीशियस भी लगता है। तो इस तरह से दबा दबा के दूसरे साइड भी थोड़ा हम पका लेंगे। आप देखिए दूसरा साइड में दिखाती हूँ, देखिए दूसरा साइड भी पक गया है अच्छी तरह से। अब हम इसको, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आराम से ये पैन को छोड़ रहा है, हिल रहा है, मतलब ये पूरी तरह से पक गया। अब इसको आप सर्व कर ले, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी और डिलीशियस भी लगता है। इसी तरह से हम सारे और हमारे जो पराठा है उसको चीला की तरह इसी तरह से बना लेंगे। पहले जितना हेल्दी होता है उतना ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी होता है। अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं कि हम मक्की का पराठा या रोटी कैसे बनाएं, बहुत इजीली इस वे में बनाएं। बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे किसी भी सब्जी के साथ सर्व करें, चने की या कोई भी ग्रेवी की सब्जी के साथ, या फिर ऐसे भी किसी चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।